हूं अमित और भाई साहब, आज होने वाला है बड़ा धमाका। गाइस, ये जो मेरे पीछे आप लोग रोड रोलर देख रहे हैं, जो कि क्रेजी एक्स वाई जी का न्यू फैमिली मेंबर है, ये आज करने वाला है बड़ा धमाका। ये गाइस आज चढ़ने वाला है एक गाड़ी के ऊपर। जी हाँ, यहां पर है हमारी प्यारी ये गाड़ी, जो कि एकदम मस्त से चलती है, लेकिन आज ये चलने वाली नहीं है, बल्कि आज इसको टेस्ट करना है एक रोड रोलर का वेट। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर गाड़ी का कुछ बच भी पाएगा या नहीं, या फिर गाड़ी की चटनी बन जाएगी। आई डोंट नो कि क्या होने वाला है, और आज हम यही करने वाले हैं। बट गाइज, आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना, क्योंकि गाइज आपके लाइक से वही होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है ऐसी मस्त मस्त वीडियोज बनाने का। भाई प्लीज कोई भी बिना लाइक किए मत जाना, फटाफट से शुरू करते हैं। तो गाइज, हमारी जो गाड़ी है वो एकदम फर्राटा चलती है। यहाँ पर है गाड़ी और अब ये होगी स्टार्ट। करो करो स्टार्ट करो गाइज। ये गाड़ी जो है यार, इतनी मस्त गाड़ी होती है ना, छोटी सी। वाह, आप लोग देख रहे हो, गाड़ी मिट्टी में चल रही है, खेत में चल रही है, मारुति 800। चलो चलो चलो, और गिर मत जाना रे भाई साहब, गाड़ी को जहाज बना दिया। बस 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 बस, अरे बस, चलो चलो, जान दे जान दे जान दे। बस गाइस, यहां पर हमने ये गड्ढा किया था ताकि जो रोलर है वो गाड़ी पर चढ़ सके, क्योंकि गाड़ी थोड़ी ऊंची होती है और रोलर जो है ना वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि रोलर का वेट इतना ज्यादा होता है। लेकिन अब जो है गाड़ी इस गड्ढे के अंदर एकदम फिट हो चुकी है। हमने इसी के साइज का एक गड्ढा किया था और अब इस पे रोड रोलर चढ़ना एकदम आसान है। तो अब अपना रोलर जो, उसको स्टार्ट करो भाई लौंडो, जल्दी चलो 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 लगाओ। दोस्तों यहाँ पर कोई इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट नहीं है, ये रस्सा खींचेगा, रोलर स्टार्ट हो जाएगा। चलो 3 2 1 गो। अबे यार, थोड़ा दम तो लगाओ यार, मुझे भी लगना पड़ेगा। भाई इतना बड़ा जो है मशीन है, 6 सिलेंडर इंजन है, तो अपने आप में इंजन ही तो इसका इतना भारी है यार, कई टन का है। 3 2 1 गो। मामे उंगली निकाल लो। गाइस आर यू रेडी? चलो। गाड़ी पे चढ़ेगा, चलो पीछे लो पीछे लो पीछे लो, चलो चलो चलो। भाई साहब, अब से कुछ ही देर में यहाँ पर रोलर जो है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ने वाला है। चलो चढ़ा दो, रेस खींच के जाने दो, चलो अरे चढ़ा दे, स्पीड में स्पीड में, चलो चलो चलो। और क्या मैंने कहा, रुक जा भाई, रुका ही नहीं रोलर। चढ़ गया गाड़ी के ऊपर। यहाँ पर जो है ये क्या हुआ भाई? रोलर तो चढ़ गया गाड़ी पे, लेकिन रोलर हवा में लटक रहा है। अरे अरे, उतार मत भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा।
गाइस यहाँ पर जो गाड़ी है वो तो पीछे से हवा में लटक गई वहां पे, और जो रोलर है वो आगे से हवा में लटक गया यहाँ पर, जिसकी मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि रोलर लटक जाएगा, लेकिन रोलर जो है वो गाड़ी के ऊपर एक तरीके से लद गया है और जो वेट है वो इस पे आ गया, गाड़ी तो पिचक गई है। वाओ, लेकिन गाइस पूरा नहीं चढ़ा है, ढंग से चढ़ाते हैं, चलो वापस से पीछे लो। 3, 2, 1, गो। गाइज यहाँ पर जो गाड़ी है वो पीछे से उठ जा रही है, दो बार अटेम्प्ट कर चुके, तो अब यहाँ पर गड्ढे कर रहे हैं ताकि टायर्स इसमें फंस जाए और तब हम जो है रोलर को इसके ऊपर चढ़ा सके। देखते हैं इस बार क्या होता है। भाई साहब सुबह हमने शुरू किया था और अब जो है शाम होने वाली है। यार दिखता इतना आसान सा है लेकिन भाई पूरा दिन लग जाता है ये सब करने में, क्या करें, गड्ढे खोद रहे हैं यहाँ पे अभी। बढ़िया बढ़िया, तो भाई लग चुका है, चलो एक बार फिर से चढ़ाते हैं, चलो चलो चलो, इस बार मैं चढ़ाता हूँ, स्पीड में लाना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे बैक गियर। हालत हो गई है खराब, चलो इसको पीछे लेते हैं। गाइस मुझे लग रहा है रोड रोलर जो है उसका स्टेयरिंग टूट चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेयरिंग मैंने नहीं घुमाया, ये अपने आप घूम गया, गया स्टेयरिंग गया। अबे यार भाई ये तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो गया, ये स्टीयरिंग कैसे मुड़ गया, ओहो चलो इसको एक बार पीछे लेके देखते हैं।
यहां पर जो है फिलहाल रोलर जो है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। और आप लोग जरा एक बार हालत देखो गाड़ी की, इधर आओ गाइस, यहां पर जो गाड़ी है वो एक रोड की तरह फ्लैट हो गई है, बराबर हो गई है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, लेकिन गाइस ज्यादा तो होना ही था क्योंकि यहां पर ये जो है ये प्योर लोहा है, ये स्टील है, इसके अंदर बहुत ज्यादा वजन है, तो ये चीज तो होनी। देखो जो गेट वेट है गाइस, क्या बताएं, यहां पर ये जो है इसके नीचे दब गए हैं ढंग से। और जो हालत हुई है गाड़ी की, अच्छे से दिख भी नहीं रही क्योंकि जो रोलर है वो अभी भी गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ है। क्या खतरनाक लग रहा है गाइस, मैंने तो नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कभी भी मैं ऐसी कोई चीज करने वाला हूं, लेकिन गाइस आज हो चुकी है, नतीजा आपके सामने है। गाड़ी अंदर धस चुकी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहां गाड़ी है, क्या क्या चीज है। गाइस जो रोलर है वो निकल नहीं रहा है, दूसरा तरीका यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, ये इसमें से बाहर ही नहीं आ रहा है क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा है, इसमें फंस गया रोलर, इसको दूसरी साइड। तो गाइस यहां पर इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे इस क्रेन का, क्योंकि भाई अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। चलो भाई सब निकाल दो इसको, ये यार इससे निकल ही नहीं पा रहा क्योंकि रोलर जो है वो इतना पावर जनरेट नहीं कर पा रहा, गड्ढे में जाने के बाद बाहर नहीं आ रहा, तो क्रेन बुलानी पड़ी इमरजेंसी में, भागा दौड़ी में। बस चलो उठा के साइड में कर दो गाइस, रोड रोलर उठने जा रहा है इस बार, सबसे हैवी चीज यहाँ पर हवा में आ चुकी है। चलो कर दो इधर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गाइस एक चीज देख रहे हो आप लोग, रोलर जो इतना हैवी है उसको क्रेन देखो कैसे लिफ्ट कर दे रही है हवा में, मतलब यार ये चीज भी अपने आप में अल्टीमेट है। देखो ये देखो पूरा हवा में, और जाने दो उधर, उधर कर दो, इसने तो इसको उठा के रख दिया। अरे चलो, तो भाई अब जो गाड़ी है वो भी निकलने वाली है, उठा दो चलो। और गाइस क्रेन के लिए तो कुछ भी नहीं है, ना रोलर है ना गाड़ी है। तो भाई देखो गाड़ी को मैं घुमा रहा हूं, क्रेन को बंद कर दिया है, बस टिका दो ऐसे कैसे नीचे, बढ़िया। और गाइस यहां पर आपके सामने आ गई है क्रेन से उतरी लेकिन रोलर से दबी हुई गाड़ी। गाइस ये देखो एक बार गाइस, ये चीज देखो, ये गाड़ी का बोनट है, इसकी हाइट देखो एक बार, मतलब बोनट यहां हुआ करता है, इससे ऊपर ये जो है जस्ट टायर की लेवल में आ गया, टायर इसके अंदर घुस गया, क्या बोनट खुल पाएगा क्या हमारा। और ये देखो भाई साहब सब कुछ फूट चुका है, ऑयल वगैरह निकल चुका है, रेडिएटर नीचे दब गया है। आज सुबह जो है ये गाड़ी चल रही थी गाइस, लेकिन अब जो है सब इसका जो है बर्बाद हो चुका है, यहाँ पे ये अब बंद भी नहीं हो रहा है। और इधर से आके तो गाइस क्या ही बोलूं, जहां तक जगह थी वहां तक दब गया, सिंपल सी बात है यार, रोलर में वेट ही इतना था कि ये तो होना ही था। और भाई साहब गाड़ी की चटनी बन चुकी है रोलर के द्वारा। तो अगर आपको मजा आया गाइस इस वीडियो के अंदर तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। भाई साहब सुबह से लगे हैं, शाम हो चुकी है, थोड़ा परेशान हम भी हो गए लेकिन मज़ा भी बहुत आया इस चीज़ के अंदर, और जो चीज़ कभी सोची नहीं थी वो आज कर डाली। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो के लिए वो लाइक का बटन दबाना जरूर से मत भूलना भाई, प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो का टारगेट रख रहे अगेन 2 मिलियन लाइक्स का, इसके लिए तो गाइस बनता है लाइक करना। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। यहाँ पर एक और गाड़ी स्क्रैप यार्ड में ऐड हो चुकी है यहाँ पर।